पिछले 11 महीने से बंद दिल्ली का टिकरी बॉर्डर अब खुलने लगा है। रात भर में दिल्ली से टिकरी बॉर्डर पर जो लगे बैरिकेड हैं वो हटाए जा रहे हैं। दिन भर दिल्ली पुलिस ने ये बैरिकेड हटवाने का काम किया है। तकरीबन 10-12 लेयर की है जो बैरिकेडिंग दिल्ली पुलिस ने कर रखी थी, आप देख रहे हैं। अब सिर्फ 3 बैरिकेड बचे हैं, ये सीमेंट कंक्रीट का बैरिकेड हटाने के बाद, उसके बाद लोहे का बैरिकेड है, और उसके बाद जमीन पर जो कंटीली तारें कीलें गाड़ी गई थी वो हटाई जाएंगे, और उसके बाद रहेगा आखिरी बैरिकेड सीमेंट के जो ब्लॉक हैं जिनके अंदर मिट्टी डाली गई है, वो मिट्टी को हटाया जाएगा, सीमेंट के ब्लॉक को हटाया जाएगा, उस मिट्टी के बीच कंक्रीट का घोल भी डाला गया था उसको भी हटाया जाएगा, और उसके बाद दिल्ली की सीमा में ही किसानों की स्टेज आ जाएगी। किसानों की स्टेज दिल्ली की तरफ वाले रास्ते पर है, और जिस रास्ते की सफाई का काम चल रहा है वो रास्ता रोहतक की तरफ जाता है। ये नेशनल हाईवे नंबर 9 है। नेशनल हाईवे नंबर 9 पर दिल्ली का टिकरी बॉर्डर, इस वक्त रात के समय भी यहाँ पर बैरिकेडिंग हटाने का काम चल रहा है, जिसका आम लोगों को इंतज़ार था कि कब ये रास्ते खुलेंगे। अब उम्मीद जगी है कि दिल्ली के बंद रास्ते जल्द खुल जाएंगे। इस वक्त रात के समय भी बैरिकेडिंग को हटाने का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं कि जो डिपार्टमेंटल अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो लगातार इस कार्य की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कुछ कर्मचारी इस वक्त रात भर इस कार्य की मॉनिटरिंग करेंगे। मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग कौन से डिपार्टमेंट से हैं जो ये काम चल रहा है? उनसे हैं। इस काम को आज दिन में क्या किया गया? वो बताएंगे। ये कुछ कर्मचारी हैं जो बातचीत करने से बचते आ रहे हैं, लेकिन आम लोगों से भी बातचीत करेंगे जो आगे पर मौजूद हैं यहाँ पर। लेकिन फिलहाल की तस्वीरें, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, जिन तस्वीरों से ये साफ हो जाएगा कि जल्द ही दिल्ली का जो ये बंद रास्ता है, टिकरी बॉर्डर का जो ये रास्ता है, ये अब खुलने वाला है। आप सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें पंजाब के इसलिए हरियाणा पर देख रहे हैं। आप इस खबर को लगातार शेयर करते रहिए, हम आम लोगों से भी बातचीत करेंगे। मैं दूसरी साइड की तस्वीरें दिखा देता हूँ। अब जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये दिल्ली का ही रास्ता, आगे टिकरी का मेट्रो स्टेशन है, वहाँ टिकरी मेट्रो स्टेशन तक लगातार बाड़बंदी की गई थी, बैरिकेडिंग की गई थी। आप देख सकते हैं जेसीबी से पूरे रास्ते की सफाई कर दी गई है, मिट्टी को हटा दिया गया है। ब्लॉक मेट्रो स्टेशन की जो लाइन है बीच की, उस पर वो ब्लॉक रख दिए गए हैं। पहले ये ब्लॉक यहाँ पर सड़क के बीचों बीच थे। ये आप साइड में जो पेट्रोल पंप देख रहे हैं, सीएनजी पंप स्टेशन देख रहे हैं, ये पिछले 11 महीनों से बंद पड़े हैं। आम लोगों की रोजी रोटी भी प्रभावित हुई है, हम लोग भी प्रभावित हुए हैं, किसान भी लगातार 11 महीने से डटे हुए हैं। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? कुछ लोग हैं यहीं के रहने वाले हैं जो इस बैरिकेडिंग से, जो बंद रास्तों के कारण प्रभावित भी रहे होंगे, सीधा उनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? डॉक्टर राकेश सिंह। डॉक्टर राकेश, आप यहीं पर रहते हैं? हाँ जी, यहीं रहते हैं, टिकरी बॉर्डर पर ही रहते हैं। डॉक्टर राकेश हैं जो टिकरी बॉर्डर पर ही रहते हैं, इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से नुकसान हो रहा था और आज दिन में क्या अपडेट हुई है यहाँ पर? बहुत बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है जी। ये पेट्रोल पंप वगैरह से लेकर के तमाम जो है यहाँ पे कार्यक्रम करने वाले, जो रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं, इन सबको नुकसान हो रहा है। और बहुत अच्छा लग रहा है अगर रास्ता खुल जाए, और कुछ किसानों की बात कुछ सरकार को समझना चाहिए, सरकार की बात कुछ किसानों को समझना चाहिए, ये आपस में कंप्रोमाइज। दिन में क्या देखा आप लोगों ने, क्योंकि आप लगातार देखते आ रहे होंगे ये जो सीमेंटेड ब्लॉक यहाँ पर रखे हुए हैं? यही कार्यक्रम चल रहा था, बैरिकेटिंग इधर से उधर करना, और यहाँ पर थोड़ा सा रास्ता वगैरह बनाना, यही सारा काम चल रहा था। और आम अगर जनता की बात माने तो बहुत अच्छा लगता है कि इस तरह का अगर रास्ता खुल जाए तो सबकी सहूलियत होगी। तो आज थोड़ी राहत की सांस ली है? उम्मीद थोड़ी जगी है। आज उम्मीद जगी है कि ये रास्ते खुल जाएंगे और इन सड़कों पर भी ट्रैफिक पहले की तरह, 11 महीने पहले की तरह दौड़ेगा, और आम लोगों को जो यहाँ आसपास जुड़े हुए हैं उनको भी राहत की सांस मिलेगी। आसपास जितनी भी दुकानें हैं वो भी पूरी तरीके से प्रभावित थी। हमने आपको पेट्रोल पंप और सीएनजी पंप स्टेशन भी दिखाए, वो भी पिछले 11 महीने से बंद पड़े हैं। बहादुरगढ़ के रहने वाले लोगों को सीएनजी लेने के लिए दूसरे अल्टरनेट रास्तों को चुनना पड़ता था, और वहीं से सीएनजी के लिए लगातार भटक रहे थे। आप भी यहीं रहते हैं? क्या नाम आपका? ऋषि। ऋषि, क्या करते हैं आप? मैं नर्सिंग स्टाफ से हूँ। नर्सिंग, ये हॉस्पिटल है बगल में? हॉस्पिटल में, बगल में हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल का नर्सिंग स्टाफ है। आप आते कहाँ से? बालोर से। बालोर से कैसे पहुँचते यहाँ? बहुत घूम के आना पड़ता था। बहुत घूम के आना पड़ता है। बालोर बहादुरगढ़ का पहला गांव है। बहादुरगढ़ से अगर बाईपास के जरिए होके निकलते हैं तो पहला ही गाँव बालोर आता है। तो आज दिन में क्या स्थिति थी यहाँ पर? जो अभी दिन में बहुत अच्छी स्थिति थी, रास्ता खोलने का कोशिश करी जा रही है। कितने लेयर की बैरिकेडिंग थी यहाँ पर? आप लोग तो देखते हो गए। हाँ जी, 3-4 लेयर की बैरिकेडर थी, बीच में अपने टेम्पू वगैरह ट्रक वगैरह थे। 3-4 लेयर की बैरिकेडिंग थी। आप देखिए कि दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान हैं, उनको ये भी ये कहा गया है कि यहाँ पर किसी तरीके से मीडिया को एंट्री ना दी जाए, लेकिन हमने आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई हैं, और ये तस्वीरें इस बात की द्योतक हैं कि अब दिल्ली पुलिस भी चाहती है, सरकार चाहती है,
दिल्ली पुलिस चाहती है तो सरकार ही चाहती है, इसीलिए ये रास्ते अब खोलने की तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दिया, उसके बाद हरियाणा सरकार ने हाई पावर कमेटी का गठन किया और 26 तारीख को हाई पावर कमेटी के साथ यहाँ पर किसानों की बैठक हुई। किसानों ने साफ कहा कि दिल्ली के जो बंद रास्ते हैं उन्हें बंद जो किया है वो दिल्ली पुलिस ने किया है और दिल्ली पुलिस ही उन रास्तों को खोल सकती है। ऐसे में ये तस्वीरें आम आदमी के लिए, उद्योगपतियों के लिए, किसानों के लिए भी राहत किस बात लेकर आई है। जब सरकार रास्ते खोलने पर तैयार है तो अब बातचीत के बंद रास्ते भी खुल जाएं तो किसानों के लिए भी राहत की बात हो। आम आदमी के लिए तो ये राहत ही है कि दिल्ली के इसी टिगरी बॉर्डर से होकर दिल्ली में एंट्री होती है, पूरा भारत, पूरा हरियाणा यहीं से आता है और हिसार तक, सिरसा तक के लोग इसी रास्ते से, पंजाब के लोग भी इसी रास्ते से दिल्ली में जाते थे। अब ये रास्ता जब खुल जाएगा तो लोगों को निजामपुर बॉर्डर की तरफ से, कच्चे पक्के रास्तों की तरफ से, झाड़ौदा की तरफ से नहीं जाना पड़ेगा, घूमकर नहीं जाना पड़ेगा। आधे से एक घंटा लोगों का बचेगा, ये पेट्रोल फ्यूल भी बचेगा और इस तरीके से लोगों को राहत मिलेगी। ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं लगातार यहाँ पर सुरक्षा में मुस्तैद रहे हैं। आप जो बीच में ये बड़े ट्रक का हिस्सा देख रहे हैं, ये कुछ देर पहले तक, कुछ घंटों पहले तक सड़क के बीचों बीच लगाए गए थे, लेकिन अब इनको हटा दिया गया है और जो मेट्रो के बीच का डिवाइडर है उसी डिवाइडर पर इसको खड़ा किया गया है। उससे ये, इन तस्वीरों से ये साफ है कि जल्द ही दिल्ली का बंद रास्ता एक तरफ का ही सही खुलने वाला है, जिससे आम आदमी को राहत मिलेगी। पंजाब केसरी हरियाणा आपके लिए पल पल की खबरें लाएगा और सबसे पहले ये बताएगा कि दिल्ली का ये टिगरी बॉर्डर खुलने जा रहा है। आप देखते रहिए, जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, टिगरी बॉर्डर।